गुड मॉर्निंग। आज हम अपना मोशन का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये पहले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे मोशन में होंगी उनको हम रिवाइज करेंगे। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके एक छोटी सी क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना मोशन यानी कि गति। अब देखो इसमें जो गति है, गति में यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है। गति किसे बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। यानी कि मोशन क्या होगा, जब कोई भी वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज करती है समय के साथ में, और साथ में एक उसका कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। मीन्स जैसे सपोज करो यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ए आदमी है और ये दूसरा कौन सा है, बी है। ये पेड़ जो हो गया वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसको हम बोलते हैं स्थिर बिंदु। अब ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये अपनी जो दूरी है वो बताता है कि मैं इस पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। दूसरा जो बी आदमी वो बोलता है कि मैं इस पेड़ से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। तो अगर देखो सपोज करो ये पेड़ ही ना हो, अगर ये पेड़ हटा दूँ मैं तो आप क्या बताओगे, वो कहाँ से खड़ा है 10 मीटर दूरी, हम नहीं बता सकते। वो पेड़ तो हट ही गया, अगर वो पेड़ कट जाता है, वो पेड़ उस जगह पर नहीं है तो क्या होगा। 10 मीटर अगर वो आदमी कहेगा मैं उस पेड़ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ तो वहाँ पर वो पेड़ है ही नहीं, वो वहाँ से क्या हो गया, कट गया। तो मतलब हमें जब भी कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर सपोज करो इस पेड़ की जगह कार खड़ी होती और वो आदमी कहता कि मैं कार से जो है 10 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ, दूसरा बोलता कि मैं कार से 20 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ, तो क्या होगा, कार तो थोड़ी देर में चली जाएगी, तो आप तो नहीं बोल सकता ना मैं कार से 10 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ। तो मतलब स्थिर बिंदु या रेफरेंस पॉइंट उसी को बोलते हैं कि जो कोई फिक्स होता है, उसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट। अब देखो अगर हम कहीं आप जो स्कूल में जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर वापस आ रहे हो, पहले आप कहाँ थे, घर पर थे, घर से कहाँ गए, स्कूल गए। तो आप देखो स्कूल जाने में आपको कोई ना कोई समय तो लगता ही है। अगर आप 7 o'clock घर से निकलते हो और सपोज करो 7:20 पे आप स्कूल में पहुँच रहे हो तो आपकी जो जगह है वो भी बदल रही है, पोजीशन भी बदल रही है, स्थिति भी बदल रही है और साथ में क्या हो रहा है, आपका टाइम भी चल रहा है, समय के साथ में आपकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसको बोला जाता है मोशन यानी कि गति, जब कोई वस्तु समय तथा स्थिर बिंदु के साथ अपनी जगह बदलती है। अब देखो इसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ से, वो आपका जो घर है, घर कहाँ है, फिक्स्ड है, वो घर आप वापस जाओगे कहीं चेंज तो नहीं होगा ना। तो मीन्स क्या है, आपकी रेफरेंस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका स्थिर बिंदु भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, टाइम भी रहेगा। तो उसको बोला जाता है मोशन यानी कि गति। अब हमारा इसके बाद में हम पढ़ते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, जिसको अदिश राशि या फिर सदिश राशि भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर यानी कि अदिश। अदिश का मतलब इसमें क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, सिर्फ इसमें क्या होगा, उसका परिमाण होगा, ठीक है, सिर्फ परिमाण होगा, कोई दिशा नहीं होगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस, कोई दूरी तय की ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसमें मैंने आपसे दिशा नहीं पूछी कि आप ईस्ट की तरफ गए हो, वेस्ट की तरफ गए हो, कैसे गए हो, तो आपसे सिर्फ मैंने क्या पूछा, आपकी लेंथ, कि कितनी डिस्टेंस आपने कवर किया, तो वो कौन सी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि। यानी कि अब आप किसी शॉप पर जाते हो, आप बोलते हो मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो जो 2 किलो होंगे वो किसमें क्या होंगे, इसमें क्या होगा, वो परिमाण यानी कि वो मैग्नीट्यूड होगा। 2 किलो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जो भी कोई एक संख्या होती है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी, मतलब उसकी संख्यात्मक भी होगी, परिमाणात्मक भी होगी और साथ में उसकी दिशा भी होगी। जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब बल लगाते वक्त सपोज करो ये डस्टर मेरे हाथ में और मैं इस पर बल लगा रही हूँ, कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये उस वाली दिशा में जा रहा है। और अगर कोई बच्चा इधर से बल लगाएगा तो वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दिशा, यानी कि इसकी डायरेक्शन गिवन है
और साथ में क्या है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मुझे पता है एक डस्टर है, इसका साथ में क्या है एक मैग्नीट्यूड वैल्यू भी है, यानी कि इसकी संख्यात्मक वैल्यू भी दी हुई है। तो इन दोनों को बोला जाता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो सकता है हमारा डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी में आ सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स प्रेशर। अब इसके बाद में जब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिसको डिस्टेंस को हम दूरी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन भी बोलते हैं। डिस्टेंस जो होता है हमारा एक्चुअल पाथ होता है, जो हमने वास्तव में जो दूरी जो तय की होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट उसको बोला जाता है जिसमें क्या होता है जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम जो पथ हमने तय किया होता है। अब डिस्टेंस का एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे सपोज करो एक ए है, यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है, बी पॉइंट पर आपका स्कूल है और ए पॉइंट पर आपका घर है। आप घर से कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। आपको स्कूल जाने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ रहा है, दूरी जो आपकी 5 किलोमीटर की तय करनी पड़ रही है। आप वापस जब छुट्टी होती है तो आप दोबारा कहाँ जाते हो, अपने घर जाते हो, और तब भी आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घर जा रहे हो, यानी कि डिस्टेंस कवर करते हुए 5 किलोमीटर का तब अपने घर पर पहुँच रहे हो। तो अब इसमें देखो मैं आपसे बोलूँगी, आप बताओ आपने जो आज का एक्चुअल पाथ है वो कितना कवर किया है, आज का जो एक्चुअल पाथ होगा वो आपने कितना कवर किया है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी। तो एक्चुअल पाथ क्या होगा, 5 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर, यानी कि आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, जो रियल में जो पाथ कवर किया है वो कितना किया है, 5 + 5 यानी कि 10 किलोमीटर। अब इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम विस्थापन भी बोलते हैं। अब इसमें जो विस्थापन है उसमें कितना होगा, अब यहाँ पर देखो कोई भी जो डायरेक्शन थी, कोई भी दिशा थी, वो निर्धारित नहीं की थी। मैंने क्या किया था, आपको एक्चुअल पाथ इतना पूछा था कि आपने कितना डिस्टेंस जो है आप कवर किया है। अब जो नेक्स्ट है वो डिस्प्लेसमेंट, उसमें मैंने आपको डायरेक्शन गिवन दे दी कि आप ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हो और बी से ए की तरफ इधर की तरफ आ रहे हो। तो मैंने आपको डायरेक्शन गिवन दे दी। अब उसके बाद में बोलती हूँ कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस, जितना भी उसने कम से कम दूरी तय की है। अब देखो वो ए से गया, कहाँ गया, बी पर गया, बी से वापस कहाँ आया, ए पर। तो देखो जहाँ से गया था वापस अपनी जगह पर पहुँच गया, तो उसकी मिनिमम दूरी कितनी होगी। अब जाते वक्त उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 5 किलोमीटर, और आते वक्त भी कितना किया उसने, 5 किलोमीटर। तो मैं 5 में से 5 को माइनस कर दूंगी, 5 - 5 इसका मतलब 0 किलोमीटर, क्योंकि कहीं वहीं पर आकर रुक गया है। तो यानी कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, वहाँ पर, वहाँ से लेकर उसके फाइनल पोजिशन कितनी दूरी पर, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। याद रखना है डिस्टेंस में हमेशा ऐड करते हैं क्वान्टिटीज को, और डिस्प्लेसमेंट में यानी कि विस्थापन में हमेशा माइनस करते हैं। सपोज करो यहाँ पर 7 किलोमीटर होता और यहाँ पर 5 किलोमीटर होता, तो हम क्या करते हैं, 7 - 5 यानी कि 2 किलोमीटर, और 7 + 5 करते हैं तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस का आंसर आ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है हमारा 2 किलोमीटर। अब देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो एक इसका एग्जांपल है हमारे स्केलर क्वांटिटी का, जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन गिवन है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ में मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी है, और साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन यानी कि इसकी दिशा भी है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग में समय के साथ में बदलाव, वेग में समय के साथ में। देखिए इसमें एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन को हम टर्न भी बोलते हैं, हिंदी में इसको टर्न बोलते हैं और इंग्लिश में एक्सलरेशन बोलते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसके वेग में अंतर समय के साथ, वेग में बदलाव समय के साथ। अब इसमें देखो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे करते हैं v - u / t, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब जो v होता है, v हमारा क्या होता है, हमारा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, v हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, और u हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम आरंभिक वेग बोलते हैं, और यू को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और टी हमारा होता है टाइम, और ए होता है हमारा एक्सेलरेशन यानी कि टर्न।
अब इसमें जो इसकी जो SI यूनिट पूछी जाती है, इसकी जो इकाई होगी वो कितनी होगी? देखो वेलोसिटी किस में होती है, मीटर प्रति सेकंड में होती है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा अंतिम वेग होता है और ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, यानी कि मोशंस की कौन कौन सी, गति की कौन कौन सी समीकरण है। गति की तीन समीकरण है, मोशन की तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरी हमारी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वेयर, और थर्ड है हमारी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू एस। ये वाली इक्वेशंस हम जो है ग्राफिकल नोटेशन से प्रूव कर चुके हैं। हम इसको जो है ग्राफिकल नोटेशन जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इन्हीं को वैल्यू पुट करते हुए हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो किस में मूव करेगी? सर्कल में, यानी कि सर्कुलर मोशन में। सपोज करो जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है? वो रोटेट करती रहती है सर्कल में, रोटेट करती रहेगी सर्कल में। अब देखो जो हमारी अर्थ है उसको रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज प्लस में 6 आवर लगते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार में वो 365 डेज प्लस 6 आवर घूमी, नेक्स्ट टाइम में वो 366 घूमेगी, फिर 367, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होता है? समान होती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर अपना साइकिल का जो है टायर वो भी देख सकते हैं, कार का टायर है वो क्या करता है? जब कार चलती थी सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगी? सर्कल में मूव करेगी, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में, यानी कि वृत्तकार गति में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसका फाइनल और इनिशियल, अंतिम और आरंभिक दोनों जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? सेम होते हैं, तो उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। क्या हम जितना भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो क्या करते हैं? वो सर्कुलर मोशन में ऑलवेज मूव करते रहते हैं। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है कि जो मूव नहीं करता है। ये था हमारा सर्कुलर मोशन।